हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड विजय। और आपको पता ही होगा कि गूगल आउटेज हुआ था, यानी कि गूगल और गूगल की मोस्ट ऑफ सर्विसेज बंद हो गई थी, वो एक्सेस नहीं हो पा रही थी। गूगल स्पोक पर्सन ने सामने से आकर के बोला है कि यह आउटेज करीबन 45 मिनट का हुआ था, जिसमें गूगल के एप्स जैसे कि गूगल ड्राइव, यूट्यूब, ये सबको एक्सेस करने में दिक्कतें हो रही थी, लॉगिन में एरर्स आ रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि यह प्रॉब्लम उनके डाटा सेंटर में मेमोरी स्टोरेज कोटा इशू के कारण दिक्कतें आई थी, जो कि अब सॉल्व कर दी गई है। गूगल में आउटेज की ऐसी बड़ी प्रॉब्लम देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि उसके मल्टीपल सर्वर होने के कारण किसी एक में दिक्कत आने पे बैकअप के तौर पे बाकी सब काम आते हैं। हालांकि ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर आप खुद से देखना चाहते हैं कि कोई वेबसाइट डाउन है या नहीं है, तो आप easitdownrightnow.com में जा करके ये देख सकते हैं, या फिर आप डाउन डिटेक्टर में भी जा करके देख सकते हैं कि वेबसाइट डाउन है और वो कितने एरर्स शो कर रही है। downdetector.com के अकॉर्डिंग करीबन 40,000 जीमेल और 1,11,000 यूट्यूब एरर्स शो किए थे। तो वीडियो यहीं तक था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।